सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए नए वीडियो अलर्ट्स के लिए। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। So Mahalakshmi Iyer is back with her most popular song Kabhi Sham Dhale, for which she has almost got nominations with all leading awards like Screen, Filmfare, you name it. She's even won the New York award for this song. So aaj hum sikhane wale hain Kabhi Sham Dhale. So are you guys ready? Pimpalasi raag mein kuch sargam hum seekhenge thoda sa, and then we move on to the song as usual, okay? Bahut sare film ke gaane hain, पुराने नए भी, जो रागों पे आधारित है। ये राग बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारे हिंदी फिल्मों के गाने इसी राग पे बने हुए हैं। इस राग में आरोह में हम दो नोट्स नहीं गाएंगे जैसे ऋषभ और धैवत, और अवरोह में वो दोनों फिर से आ जाएंगे जैसे निसा। So this was राग विस्तार ऑफ राग भीमपलासी जी। सो इस गाने में कलर भीमपलासी राग का आपको समझ में आ गया। ये समझ में आने के बाद हम ट्यून की ओर बढ़ रहे हैं। सो कभी शाम ढले। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना। सो ये क्या स्केल पे है मैम? अभी हम अभी इसको डी में गा रहे हैं। मेल के लिए ये स्केल बहुत लो है, जैसे आप रियलाइज करोगे। राइट नाउ मैं उनको फॉलो करूंगा तो मुझे लो लगेगा ये, बट मैं जस्ट आपके क्यू के लिए गा रहा हूँ इसको। बट मेल के लिए शायद ये गाना एफ या एज अ स्केल कुछ सही रहेगा, बट आप स्केल्स कभी भी आपके कम्फर्ट के हिसाब से चूज कीजिए जी। सो वी आर मूविंग ऑन टू कभी शाम ढले। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। गाने में जो ब्रेथ होता है, हम सांस जो लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। उससे गाना बहुत इफेक्टिव या नॉन इफेक्टिव बन सकता है। अब इस गाने में ये मैंने कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना ये तोड़ा है। इसको तोड़े बगैर गाने की कोशिश करें आप, मतलब सांस बढ़ाने के लिए ऐसे लंबी लंबी लाइंस आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सांस जो है वो बढ़ेगी। हमको यही सिखाया गया है कि आप कोई भी नोट निसा जहाँ तक आपकी सांस रहती है आप उसको खींचिए, हर नोट को सारे ऐसी लंबी लंबी नहीं। या फिर आप अगर सरगम जो भी सरगम प्रैक्टिस करते हो निसा ग रे सा नी प म प नि सा ग म रे नि सा प नि सा म प नि सा, इससे आपकी सांस बढ़ेगी तो फिर आपको यही लाइन एक सांस में गा पाएंगे। जैसे कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, अब सांस लीजिए और क्विकली लीजिए। कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। अब मैं दोनों लाइनें आपको एक के बाद एक गा के सुनाती हूँ,
और बीच में मैं सांस लूंगी। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। जैसे आपने देखा सांस क्यों इतनी ज़रूरत होती है, वो इमोशन भी कन्वे करता है। सिर्फ सांस का मेजर नहीं होता, उसकी वजह से आप एक इमोशन भी बता पाते हो, वो एक्सप्रेशन भी बता पाते हो गाने में। पहला लाइन और सेकंड लाइन का ट्यून सेम है, सेकंड लाइन में उन्होंने दिल में आ जाना वो एक वेरिएशन है ना, एक छोटा सा विब्राटो है। जैसे विब्राटो के बारे में अभी आप शॉर्ट में उनसे समझिए कैसे। जैसे विब्राटो इन्होंने कहा, विब्राटो है एक नोट को थोड़ा सा होल्ड करके उसको थोड़ा शेक करना, या उसमें एक आंदोलन हम जिसको कहते हैं हिंदी में। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। ये जो आ जाना, इसको ये जो एंड में आप इसको जो शेक हो रहा है वो सुन, उसको हम विब्राटो कहते हैं। इसी को अगर आप बिना विब्राटो के आप सुने तो आपको लगेगा कुछ तो कमी है। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। अधूरा लगा ना, जैसे ही आप उसमें वो थोड़ा सा विब्राटो डालेंगे, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। इन दो लाइनों में हमने दो अलग जगह पे विब्राटो यूज़ किया है। ज़रूरी नहीं कि एक ही जगह पे, यानी लाइन के एंड में ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। लाइन के बीच में कोई ऐसा वर्ड हो उस पे भी आप डाल सकते हैं, जहाँ से उसको और भी इफ़ेक्टिव बनाया जाए। जैसे कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, दिल में आ जाना, उसकी खूबसूरती और बढ़ती है उस लाइन में। तो कई गाने ऐसे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, जो सिंगर हैं उन्होंने किसी एक वर्ड को ज़्यादा महत्व देने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए विब्राटो का यूज़ किया होगा। सो साइन तो आप समझ गए होंगे और साइन का रिपीट आप समझ गए होंगे। आप क्रॉस मगर मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर न जाना। सो एक बार और क्रॉस हम साथ में गाएंगे आपके इसके लिए। मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर न जाना। ओके सो इसके बाद साइन दोबारा आएगा। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, जाना, ये वेरिएशन है यहाँ पे। कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, दिल में आ जाना, ये वेरिएशन था आ जाना। ओके अपने मन के हिसाब से, आपके मन में जो आता है उस तरह से आप वेरिएशंस कीजिए। मुझे जो सूझा मैंने किया, शायद श्रीराम गाते तो उसको थोड़ा अलग गाते, आप कुछ अलग वेरिएशन सुनाइए इसी लाइन को लेकर। इसके पहले कि मैं एक वेरिएशन गाऊं, मैं ऑलवेज ये बात मानता हूं कि आप वो वेरिएशन गाइए जो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप करेक्ट अचीव कर सकते हैं। लाइक अगर आप कभी शाम ढले, अगर आप कभी शाम, ये बेसिक कंपोजिशन है, पर क्या अगर आप जब ये नहीं गा पा रहे हैं तो उसको आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? आपको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। सो बेसिकली आप वो हरकतें गाइए जो फिलहाल आप कंट्रोल कर पा रहे हैं। कभी शाम ढले तू मेरे दिल में आ जाना, ये मुझे सिंपल लगा और इफेक्टिव लगा। जाना कभी चांद खिले तू मेरे दिल में आ जाना। एक बात और होता है, कभी कभी आपके एक हरकत लगती नहीं है और आप सोचते हो आई एम डूइंग एवरीथिंग राइट, क्यों नहीं लग रहा है? उसका संबंध होता है स्केल से। अब ये स्केल मेरे लिए लो है जब मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ। सो अगर आपको करेक्ट स्केल में अगर आप उस गाने को नहीं गा रहे हैं तो हो सकता है जो हरकत आप एक
कंफर्टेबल स्केल पे लगा सकते हैं, वो आप एक लोअर या हायर अनकंफर्टेबल स्केल पे आप लगा नहीं सकते हैं। बिल्कुल। सो ये जांचना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए कंफर्टेबल स्केल क्या है और उस पर आपको गाना है। सो ये था मुखड़ा। नाउ वी हैव महालक्ष्मी जी टीचिंग अस द अंतरा ऑफ द सॉन्ग। रात दिन की मेरी दिलकशी तुमसे है, रात दिन की मेरी दिलकशी तुमसे है, तुमसे है। जिंदगी की कसम जिंदगी तुमसे है, जिंदगी की कसम जिंदगी तुमसे है। तुम ही मेरी आंखें हो, तुम ही मेरी आंखें हो, सोनी तनहराहों में, सोनी तनहराहों में। चाहे जितनी दूरी हो, तुम हो मेरी बाहों में। चाहे जितनी दूरी हो, तुम हो मेरी। खाली तो ये एक ही वेरिएशन है, मेरी बाहों में। मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर न जाना। सो ये क्रॉस ऑफ द मुखड़ा है जो हम दोबारा जिस पे आ रहे हैं। इट गोज लाइक, मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर न जाना जी। तो यहाँ तक ये क्रॉस है। सो देन इस गाने में बहुत एक्चुअली इम्पोर्टेंस, गाना बहुत सिंपल है वैसे, इस गाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये गाना बहुत इमोशनल है। तो सबसे ज़्यादा आप जितना इमोशन इसका समझकर गाएंगे उतना ये गाना बेहतर सुनाई देगा लोगों को। आखिर गाना हम जब ऑडियंस को पूछते हैं कि आपको ये गाना क्यों पसंद है, इस गाने के लिए लोगों ने मुझसे हमेशा कर यही कहा है कि ये गाना सुन के हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसमें श्रेय मैं दूंगी कंपोज़र एमएम क्रीम को या निदा फाजली जी जिन्होंने इसके बोल लिखे हैं, ताकि आप कनेक्ट कर पाएँ। तो आपको वो हमेशा याद रखना पड़े कि शब्द कितने इम्पॉर्टेंट हैं गाने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया, कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, वो इमोशन बताना बहुत ज़रूरी है। जो हरकतें वो कम कर दीजिए, मगर आना इस तरह तुम, ये भी कर सकते हो इस तरह तुम, ये करने की ज़रूरत नहीं। मगर आना इस तरह तुम के यहाँ से फिर न जाना, वो एक दरख्वास्त है ना कि फिर न जाना, तो वो बहुत ज़रूरी है एक गाने को की खूबसूरती बढ़ाने के लिए या वो कनेक्ट करने के लिए। इमोशन बहुत ज़रूरी होता है, सांस भी ज़रूरी है और सुर और ताल तो ज़रूरी है ही। इसके बाद मेरे पास बोलने को कुछ ज़्यादा है नहीं, मैं खुद ही इतना कुछ इस पिछले 10 मिनट में सीखा हूँ। एंड ये जस्ट मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इट इज़ अल्टीमेट ट्रूथ कमिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लेटिंग अस नो योर फीडबैक। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड दिस इज महालक्ष्मी आयर द प्लेबैक सिंगर एंड श्रीराम आयर साइनिंग ऑफ फॉर द मोमेंट। दिस वॉज कभी शाम ढले। थैंक यू सो मच।